हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइंड मास्टर के कुछ खास बेसिक फीचर के बारे में, जिसके अंदर आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के ऊपर। तो जानने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन प्रकाश और आप देख रहे हो ज्ञान। तो दोस्तों, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या फिर आपको वीडियोस एडिट करना अच्छा लगता है, या फिर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के ऊपर, तो यहाँ पे काइंड मास्टर के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ काइंड मास्टर के कुछ खास बेसिक फीचर के बारे में, जिससे आप अपनी वीडियोज को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, काइंड मास्टर की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ काइंड मास्टर मोड को। तो आप काइंड मास्टर मोड को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं काइंड मास्टर मोड, और वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ काइंड मास्टर मोड के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ काइंड मास्टर के कुछ खास बेसिक फीचर्स सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्लस वाले रेड बटन के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाती है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट और एम्प्टी प्रोजेक्ट। दोनों से ही आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एम्प्टी प्रोजेक्ट में आपको जो है आपकी फाइल से जो भी आप फोटोज वीडियोस एडिट करना चाहते हैं उनको आपको बाद में चूज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट असाइनमेंट में आप पहले ही अपने सभी प्रोजेक्ट्स को ले लेंगे, उसके बाद जो आप उनको एडिट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर। एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें से लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें से कुछ एक ब्लैंक है। और यहाँ पे आपको जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर आपको चार पांच ऑप्शन इसके अंदर मिल जाती है। सेंटर में मिलती है आपको रेड वाले, इसमें मिलते हैं आपको कैमराज। यहाँ से आप डायरेक्ट जो है अपनी वीडियोज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अपनी वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाती है, मीडिया, ब्राउजर, लेयर्स, वॉइस और ऑडियो। इन सभी के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोजेक्ट है उनको यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीडिया ब्राउजर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। मीडिया ब्राउजर में आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि बैकग्राउंड, अगर आप यहाँ पे कोई कलर वगैरह जो लेना चाहते हो, जो कि काइंड मास्टर जो आपको देता है, चाहे ब्लैक, ग्रे, येलो, ब्लू, कोई भी कलर जो है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक पिक्चर्स भी यहाँ पे काइंड मास्टर आपको देता है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स को ले लेते हैं, जैसे कि हमने इन तीन चार पिक्चर्स को ले लिया है। तो हम यहाँ पे चलते हैं बैक। बैक में जाने के बाद यहाँ पे आपको फेवरेट्स भी मिलते हैं, अगर आप किसी को फेवरेट करके रखते हैं तो आप उनको ले सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने किसी भी क्लाउड स्टोरेज से तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके फ़ोन के अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी यहाँ पे आपकी फोटोज़ हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे फोटोज़ को ले लेते हैं। तो हम इस फोटो को ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है पूरा वीडियो के फॉर्मेट में आ चुका है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो आप इनकी लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, कितने सेकंड तक आप इनको करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत जो है ड्यूरेशन कम कर देते हैं। यहाँ से आप ड्यूरेशन इनके बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख जाती है राइट साइड में, आपको लेयर वाली साइड में आपको 7 सेकंड तक जो है ये वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो की लेयर में आ चुकी है। तो यहाँ पे इस तरीके जो आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इनके अंदर कुछ इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो इनके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इस इफेक्ट को लगा दिया है, तो इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जब भी वीडियो चलेगी तो इस प्रकार से जो इफेक्ट यहाँ पे लग जाते हैं। अब बात करते हैं लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, लेयर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल जाती हैं, मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, उसके बाद टेक्स्ट और हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मीडिया में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आपकी वीडियोस फाइल्स हैं उनको आप इन्हीं जो आपकी पहले वाली जो वीडियो बनी है इसके ऊपर ही आप उनको लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम से कोई पिक्चर लेके, तो यहाँ पे जब मैंने इस पिक्चर को ले लिया तो यहाँ पे ये इस वीडियो के ऊपर ही आएगी, जो बैकग्राउंड में है तो उसके ऊपर ही आएगी। तो आप इसको यहाँ से इसको ले सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर किसी तरह की कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप अपने वीडियो के ऊपर कोई फोटो ऐड लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद लेयर के अंदर आपको इफेक्ट दिख जाते हैं, तो अगर आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाते हैं, जैसे ब्लर इफेक्ट है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि आपके इसके ऊपर ही आएंगे, इस वीडियो के ऊपर जो इफेक्ट आएंगे, इस वाली लेयर के ऊपर जो इफेक्ट आएंगे, तो उसको जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओवरले के अंदर यहाँ पे आपको स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं, जिनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं और आप अदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर अगर आप कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आपको बहुत सारे फॉन्ट भी मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन, बहुत ही डिफरेंट तरह के एनिमेशन से, और जिनको आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आपको मिल जाती है, अगर आप इसकी बहुत सारे बैकग्राउंड को इफेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हैंडराइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी हैंडराइटिंग आप कर सकते हैं। अगर आप इनको मिटाना चाहते हैं तो आप मिटा भी सकते हैं। तो इस तरीके जो आप हैंडराइटिंग का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है वॉइस रिकॉर्डिंग की। तो
तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मैंने यहाँ पे बता दिया इस ये जो मैंने फोटोज के थ्रू लिया है, तो यहाँ पे इसको अंदर वीडियो भी हमें ऐड करनी पड़ेगी, ऑडियो भी ऐड करनी पड़ेगी। ऑडियो ऐड करने के लिए इसके इस ऑडियो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। फिर स्टॉप के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सॉरी यहाँ पे अभी ऑडियो जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो स्टॉप करने के बाद यहाँ पे आप बैक चले जाएंगे और उसके बाद जो है आप उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे किसी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिलती है ऑडियो की ऑप्शन। ऑडियो की ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी आप म्यूज़िक अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे वो आपके फ़ोन के अंदर हो या फिर काइन मास्टर के थ्रू। तो यहाँ पे आपको काइन मास्टर के थ्रू वो सबसे ऊपर मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदर आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी चीज़ हैं, जिस भी प्रकार का ऑडियो MP3 आपके पास, उसको जो है आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ खास फीचर्स काइन मास्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप अपनी वीडियोज़ को 1080p तक जो है आप एडिट कर सकते हैं, 1080p तक जो है आप एडिट कर सकते हैं और सेव भी आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर 1080 तक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फोटोज़ की क्वालिटी कितनी है या फिर आपकी वीडियोज़ की क्वालिटी कितनी है, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको बता देगा किस पिक्सल के अंदर जो है आपकी वीडियो एडिट होगी, किस फॉर्मेट में आपकी वीडियो एडिट होगी और सेव होगी। तो यहाँ पे जब आपने अपनी वीडियो को पूरी तरह से एडिट कर लिया है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर का बटन दिया है लेफ्ट साइड के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट। तो यहाँ पे सेव के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 1080p, 720p और 540p और 360p, किसी भी फॉर्मेट में हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है सबसे हाई क्वालिटी के ऊपर, आप ऑब्वियसली सबसे हाई क्वालिटी के अंदर जो है आप सेव करेंगे, तो यहाँ से ये सेव होने लग जाएगी। तो अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हम बैक में चले जाते हैं। तो दोस्तों कई बार लोगों को इस ऑप्शन का पता नहीं लगता है, तो जिन लोगों को नहीं लगता है पता, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो उनको समझ नहीं आता है कि वो कैसे इसको सेव करें। तो यहाँ पे जब आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा। शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वही सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और यहाँ से आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको पूरी पूरी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे कैसे आप टेक्स्ट की लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप बाकी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इंट्रो आउट्रो बना सकते हैं, सारी चीज़ें वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको जल्द जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी फीचर काइन मास्टर के समझ आ गए होंगे, कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके बता सकते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपके पास पहुंच सके मेरी अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों कैसी आपको वीडियो लगी, अगर आपका है कोई सवाल तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूंगा आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर मेरे को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।